नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कलेक्टर छतरपुर शीलेंद्र सिंह ने लवकुश नगर में ली अधिकारियों की बैठक। बैठक के बाद पुराना बस स्टैंड में लगाई मास्क की चेकिंग। लवकुश नगर छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह गुरुवार की शाम अचानक तहसील कार्यालय लवकुश नगर पहुंचे और लवकुश नगर SDM पीयूष भट्ट, तहसीलदार अशोक अवस्थी, CEO SK मिश्रा, BMO डॉक्टर SP शास्त्रवर, नगर परिषद उपमंत्री गोकुल प्रसाद प्रजापति, कनिष्ठ खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सचिन श्रीवास्तव के साथ बैठक करके कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी एवं लवकुश नगर क्षेत्र में कोरोना की संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का ठीक तरीके से पालन कराया जाए। इस बैठक में थोड़ी देर के बाद तहसील अधिवक्ता संघ लवकुश नगर के नव निर्वाचित अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी से भी मुलाकात कर अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश का पालन करने एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को वैक्सीन लगवाए जाने की भी अपील की गई। तहसील कार्यालय से निकलने के बाद छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा लवकुश नगर के पुराना बस स्टैंड में पहुंचकर अचानक लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए चेकिंग लगा दी, जिसमें लवकुश नगर SDM पीयूष भट्ट, तहसीलदार अशोक अवस्थी, CEO SK मिश्रा एवं थाना लवकुश नगर के थाना प्रभारी उप निरीक्षक नंद किशोर सोलंकी, उप निरीक्षक नरेंद्र शर्मा एवं अन्य पुलिस बल और नगर परिषद लवकुश नगर का अमला मौजूद रहा। जो लोग बिना मास्क के पाए गए उनके निर्धारित मापदंड अनुसार चालान किए गए। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों से भी अपील की गई कि वे दुकान में मास्क लगाकर ही बैठे और जो ग्राहक मास्क लगाकर आए उन्हें ही सामान विक्रय करें। ऐसा न पाए जाने के दुकानदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। आकस्मिक दौरा सबके अभी जो कोविड वैक्सीनेशन और आयुष्मान कार्ड, गेहूँ खरीदी, चना खरीदी, रेवेन्यू पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें लवकुश नगर में कैसे चली हैं या चलाना है उसके संबंध में ये आज बैठक रखी थी और मैं खुद देखने आया हूँ। अधिकारियों से भी चर्चा की इन सारे मुद्दों पर कि लवकुश नगर में ये सारी चीज़ें ठीक से हों, इसी के लिए आया था। COVID-19 के लिए सर लवकुश नगर की जनता के लिए क्या संदेश है? COVID-19 के बचाव के लिए जनता से मेरा यही कहना है कि ये अभी कोविड हमारे ज़िले से या लवकुश नगर से गया नहीं है। अगर किसी भी परिवार को कोविड होता है, किसी दुकानदार भाई को या किसी को भी कोविड होता है, तो उसका पूरा परिवार सबसे ज़्यादा परेशानी में वो खुद आता है, क्योंकि अगर कोविड हो जाएगा तो उसकी दुकान 17 दिन के लिए, जैसा कि प्रोटोकॉल है, बंद हो जाएगी, उसका घर कंटेनमेंट एरिया बन जाएगा, तो उसका पूरा रोज़गार ख़राब होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी दुकानदार भाई का है इसको कोविड होता है। परंतु अभी मेरा देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग बिना मास्क लगाए और इधर उधर घूम रहे हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उससे उनका खुद का रोज़गार भी बर्बाद होगा। मान लीजिए आप पत्रकार भाई हैं, आप अगर कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप पत्रकारिता 17 दिन तक नहीं कर सकते, तो आपका व्यवसाय अपने आप रुक जाएगा। तो आप अगर अपने व्यवसाय को निर्बाध रूप से चलाते रहना चाहते हैं तो अपने आप को कोविड से बचाए रखना होगा, और कोविड से बचाव का अभी जब तक कोई दवा उसकी नहीं आ जाती है तब तक सबसे बड़ा बचाव का तरीका है मास्क लगाना। तो सभी लोग मास्क लगा के रहें, आसपास के लोगों को समझाएं कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये उन्हीं की भलाई के लिए है। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर चाहते हो कि आगे आने वाले समय में शादी ब्याह और अन्य त्यौहार आपके शांति से चलते रहें, होते रहें, तो कोरोना के केसेस नहीं बढ़ने चाहिए, तभी ये संभव है। अगर केसेस बढ़ेंगे तो मजबूरी में चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, प्रतिबंध और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो वैसा अगर चाहते हैं कि ना हो तो आप सब लोगों को इसमें मदद करनी होगी, सभी समाज के लोगों को मदद करनी होगी, और मदद वो यही है कि अपने आप को कोरोना से बचाएं। उसे बचाने के लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क नहीं है तो टॉवेल लगा करके बाहर निकलें जब भी बाहर निकल रहे हैं, तो यही मेरा सबसे कहना है। दूसरा, अभी वैक्सीनेशन का काम बहुत सारी जगह चालू हो गया है, 45 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं उनसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जा कर के वैक्सीनेशन लगवाएं। अभी ये हालत हो रही है कि मुनादी कराने के बाद, बोलने के बाद, लोगों को उनको घर से ऐसे निकालना पड़ रहा है जैसे कि किसी तहसीलदार की या CEO जनपद की बिटिया की शादी है, वो शादी में बुला रहा है, ज़बरदस्ती खींच खींच के लाना पड़ रहा है। आप लोग इस देश के नागरिक हो, इस ज़िले के सच्चे नागरिक हो, अगर इस ज़िले को और देश को बचाना है कोरोना से और अपना धंधा चलाते रहना है
तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग खुद जो इसमें पात्रता रखते हैं 45 साल से अधिक के हो गए हैं, खुद जा कर के वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए से सरकार का फ़ायदा नहीं है, ये आपका फ़ायदा है, आपके परिवार का फ़ायदा है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को और अपने जो भी गतिविधि है आपकी पैसा कमाने की वो जारी रह पाएगी, और आपका समाज अगर कोरोना से बचा रहेगा तो जो आपके सामाजिक कार्यक्रम हैं वो भी शांति से हो पाएंगे। तो अगर ये चाहते हो आप लोग तो मास्क लगाएं, कोविड वैक्सीनेशन कराएं प्रॉपरली, आपको जब भी सूचना मिले आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि फ्री में अभी वैक्सीन लग रही है तब भी आप अगर नहीं लगवा रहे हैं और आप बीमार हो रहे हैं तो इससे बड़ी गलती और कुछ हो नहीं सकती है, कि सारी सुविधाएं देने के बाद भी उन सुविधाओं का अगर आप लाभ नहीं ले पा रहे हो तो ये मेरे समझ से ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को पालन करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पुलिस आके ज़बरदस्ती करे, प्रशासन आके ज़बरदस्ती करे तभी ये काम कराएं, ये एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है। सभ्य समाज तो ये है कि अच्छे काम उनको आगे आकर के खुद करना चाहिए, मेरा ये मानना है। थैंक यू।